अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, बिगिनर पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए ब्रेंड का। तो उसका हम लोग देखेंगे, इसके अंदर हम लोग ये एनिमेशन जो है, ये सारा सीन लगा सीखेंगे। तकरीबन हर एक्सपेक्ट हम लोग कह सकेंगे इसका पॉइंट ये है, आपको ब्लेंडर की सारी जो कैपेबिलिटी मेमोराइज किया जाए। ठीक हो गया, ये मेट्रो स्टेशन है उसको मैंने समुद्र में डाल दिया। लेकिन ये है कि आप खुद से कर सकते हैं, आप आइडिया आइडिया को मॉडलिंग आ जाए, आपको एसेट्स का पता चल जाए, जो बेसिक्स है सब कुछ, क्या क्या चीज एग्जिस्ट करता है ब्लेंडर में, क्या नहीं करता, उसके बाद में आपको क्लियरिटी मिल जाए। तो हम लोग रिकॉर्डिंग टाइम पे ये वर्जन है 2.83, लेकिन फ्यूचर में दूसरे वर्जन के ऊपर भी एप्लीकेबल में आ सकता होना चाहिए। तो उससे बात जो दूसरी बात है कि मेरे पास अभी इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और ट्विटर भी है, तो आप इस दोनों पर मेरे फॉलो करने, फेसबुक पेज भी है तो आपको अलर्ट्स मिलते रहा करेंगे, और जो यूट्यूब चैनल है उसके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दूसरा ये होगा, जब मैं नेट को अपलोड किया करूंगा या कोई वो चीज शेयर करनी हो, अगर मैं कोई डिसीज पे काम कर रहा हूँ और मैं मतलब नहीं वीडियो अपलोड कर रहा, तो आपको फिर मतलब अपडेट मिल जाया करेंगे। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डालेंगे, ठीक है, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर आप इस वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, ठीक। तो ये पहला पार्ट वन है, तो ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, बिल्कुल ब्लेंडर को टच नहीं किया उनके लिए ये। तो जो अगर पहले स्क्रैच कर चुके हैं ब्लेंडर को, तो वो डायरेक्टली ये सीखना चाहते हैं, तो काइंडली आप पार्ट टू को स्टार्ट कर दें। अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखना चाहते हैं तो आप ये भी कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन का स्टीज ऑन कर लेता हूँ। तो मेरी शॉर्टकट कीज यहाँ पे डिस्प्ले हुआ करेंगे, मैं आपको बिल्कुल बस बेसिक ओवरव्यू दूंगा क्योंकि हम थोड़ा इन डेप्थ हम लोग बाद में जाएंगे। तो ये जो है सबसे पहले ये जो हमारा क्यूब है, ये हमारा लेआउट है बेसिक लेआउट, जब आप स्टार्ट करेंगे ब्लेंडर को होगा। तो ये लाइट्स है, ठीक है, आप जी को दबा के ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जब यहाँ पे देख रहे होंगे ये कोऑर्डिनेट्स, जब चेंज में जी के दबा से जा रहा था तो कोऑर्डिनेट्स हिल रहे थे, तो आप यहाँ से भी मैन्युअली चेंज करना चाहिए तो कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से। इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन लाइट है इसका तो सब सेंस आपको नहीं आएगी, इसको रोटेट देखें आप कर सकते हैं, आर दबा के आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट इस ब्लेंडर में बहुत सारी एग्जिस्ट करती है। और ये हमारा कैमरा है, इस कैमरे के थ्रू जो भी हमने सीन क्रिएट किया होगा, जिस कैमरे के थ्रू नजर आ रहा होगा वही चीज रेंडर होगी, तो आप और दबा के कैमरे की नजर से देख सकते हैं। तो व्यूज जो है, और मल्टीपल व्यूज भी है, ठीक। वन से आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, 360 व्यू के ऊपर आ जाएंगे, इसका वो देखें कैमरा साइड चेंज हो गई, सब आ रहा है, आपकी व्यू चेंज हो रही है, ठीक। तो ये अब डिफरेंट मोड्स भी है ब्लेंडर के अंदर, ऑब्जेक्ट मोड है अभी करंटली, क्लिक किया तो देखें बाकी मोड भी विजिबल होना चाहिए। एडिट मोड, एडिट मोड में हम लोग से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक सर। ये अब इसकी देखिए, ये डॉट जो आपको आ रहा है ये इसकी वो एच है, और ये इसकी वर्सेस है, सिलेक्ट आप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्सेस आते हैं, ये क्लिक साइड में क्यों कर रहा है इस तरह। और ये फेस लैक मोड है जो पूरा, ये मून है इसका, इसे फेस लैक मोड कहते हैं। तो इसे आप कर सकते हैं, और इनके ऊपर भी आप सर जी आर वगैरह करके सब जो है वो आप कर सकते हैं, और ऐसे आप स्केल कर सकते हैं, स्केल से साइज बड़ा कर सकते हैं, ऐसे ही होगा, ठीक। और आप टिपिकली ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, स्केल करना या रोटेट करना, तो आप अगर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल हो जाएगी। और बाई डिफॉल्ट आई डोंट नो 2.82 में चेंज किया करें, लेकिन जो स्टार्ट में इसका होता था कि आप सिलेक्ट करने के लिए बाई डिफॉल्ट राइट क्लिक करके सिलेक्ट होता था, तो हमारी बहुत अजीब सिस्टम था वो, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एडिट प्रेफरेंसेस में जाएंगे, ठीक है, तो की मैप के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, तो आप जो सिलेक्ट मोड पर लेफ्ट कर ले, ठीक है, सर्च करेंगे कोई चीज तो वो ऐसे होगी। और बाकी सिलेक्ट ऑल पर से करने से ये होगा कि अगर सब कुछ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सपोज हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो एक बाकी सब कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर एक बाकी सब कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। दूसरी चीज, अगर आप नए ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, सब कुछ क्लिप से नहीं बन सकता, तो शिफ्ट ए दबाएंगे आप, शिफ्ट ए देखें आपकी यहाँ पे आ गया, ठीक। शिफ्ट ए दबाएंगे तो ये देखें मल्टीपल है, प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर, हाइकोस्फीयर, इनको आप यूज कर सकते हैं, कर्व्स भी हैं, ये बहुत सारे कर्व्स चीजें जो आप आगे थोड़ा हम डिटेल्स में देखेंगे। तो ये है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि एडिट मोड में आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। वेट पेंटिंग बेसिकली ये ऐसी चीज है जो तब इस्तेमाल की जाती है जब आप कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट, स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर जा रहे हो, तो तब आप उस एरिया को वेट पेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप मतलब उस एरिया को सिर्फ वहां से वो इफेक्ट जनरेट होगा। बाकी कलर्स भी किए जा सकते हैं, लेकिन जब क्या इंटरफ हम लोग बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखें आप सैम्पलिंग है, इससे यह होगा कि जो आपकी क्वालिटी मुझे वो चेक की जाएगी, ठीक है। और रेंडर इंजन भी क्या है, ईवी आमतौर पर जब आप नॉन रियलिस्टिक कार्टून टाइप से एनिमेशन तैयार होते हैं या स्क्रीन तैयार होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। जो साइकिल्स है वो आमतौर पर जो थोड़ा रियलिस्टिक जो इफेक्ट्स है, थोड़ा इंसानों में बहुत ज्यादा रियल वर्ल्ड
चीजें उसके लिए करना के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये कि दोनों ऑपोजिट भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ईवी से रियलिस्टिक बैटरी जनरेट हो सकते हैं और साइकिल से कार्टून बैटरी जनरेट नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए ईवी ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो सिस्टम के ऊपर जोर कम डालता है, वजन कम डालता है, तो इजिली चूज हो सकता है। और ये जो रेंडर सैम्पल्स है, ठीक है, ये जो क्वालिटी इमेजेस है वो उसकी देखी जा सकती है, और जो व्यू पोर्ट है ये व्यू पोर्ट के अंदर जब आप जेड दबा के रेंडर व्यू करेंगे, ठीक, तो अभी जो उसकी क्वालिटी होगी तो सिंपल थी, वैसे वैसे इतना कुछ समझ नहीं आ पाएगा, लेकिन उससे या जो सीन में यहाँ पे आप देख रहे हैं उसकी क्वालिटी आपको बता रहा है। और इस तरह से आप जेड दबा के वायर फ्रेम भी जा सकते हैं, वायर फ्रेम में आपको जो सिर्फ आउटलाइंस है वो आपको नजर आएंगी, और मटेरियल व्यू में आपको अगर आप प्रॉपर देखना चाहते हैं कि मटेरियल है कैसा, मतलब रफ सा वर्जन उसका होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, और सॉलिड मोड में जो उसकी आपकी आर्म व्यू है या फिर जो धुआं वगैरह होगा, वाले मैट्रिक्स शैडोज वगैरह सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपने सीन में यूज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ से आप टर्न ऑन ऑफ कर देंगे, हम लोग टर्न ऑन करेंगे, हमें करना पड़ेगा ऑब्वियसली। बाकी ये जो है रेंडर सेटिंग्स, आप रेजोल्यूशन ये 1080p जो डिफॉल्ट सेटिंग है 100% पर चेंज कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हैं, फ्रेम्स पर सेकंड आप चेंज कर सकते हैं, और उससे मुझे याद है ये अपनी नीचे टाइमलाइन है, इससे वो बता देगा आप किस फ्रेम के ऊपर है किधर नहीं है, और ये सेटिंग्स डिपेंड करता है आप क्या जिस क्लिक करते हैं उस हिसाब से सेटिंग्स चेंज भी होती रहती है। अगर मैं लाइट को क्लिक करता हूँ देखें आज सेटिंग्स लाइव हो गई, यहाँ पे आप लाइट का मेन्यू आ गया, मैं कैमरा क्लिक करता हूँ देखें कैमरे का मेन्यू आ गया है, दूसरा ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट का वर्टेक्स पर आ गया है, ये मटीरियल है या जो उसका कलर शलर देखना चाहते हैं, अब मैं दिखाता हूँ मटीरियल प्रीव्यू के अंदर, अगर मैं कलर ऐसे चेंज कर देता हूँ, ये देखिए ऑरेंज रेड वगैरह, ये कलर जो है ये बिल्कुल बेसिक कलर है, अभी ऑब्वियसली ज्यादा एडवांस से जा सकते हैं, तो हम लोग वो कर लेते हैं। और बाकी ये वर्टेक्स रूप से, वर्टेक्स रूप बेसिकली वेट पेंडिंग वाला इफेक्ट ही है, ये कंस्ट्रेंट्स और एडवांस चीज है, फिजिक्स भी एडवांस चीज है, ये अभी आप टच ना करें, पार्टिकल सिस्टम भी हम लोग अभी देखेंगे सीरीज में देखेंगे सही। मॉडिफायर्स बेसिकली ये कि प्री बिल्ड फंक्शंस जो है आप कल से जो बनी हुई चीजें आप यूज कर सकते हैं, तो जो सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल दो मॉडिफायर्स करेंगे ब्लेंडर के अंदर, इनके बगैर गुजारा नहीं होने वाला, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर, ठीक है देखें, और इसकी जो स्ट्रेंथ है देखें अब रेंडर, ठीक है इंक्रीज कर रहा हूँ, और व्यू पोर्ट, इसका व्यू पोर्ट में अगर मैं कम करूँगा तो अभी देखने में नजर आ रहा है वो कम है, लेकिन जब मुझे उसकी वजह से टू सेट होगी, जब रेंडर होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो व्यू पोर्ट रेंडर में सेम करता करें तो आपको आपको पता चल जाएगा किसमें क्या होगा। तो ये देखिए इसका आ रहा है, आप ये अपडेट होंगे जितना हम लोग सर्कल नुमा कर रहे हैं लेकिन फिर भी डिबेट में बने आ रहे हैं, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप राइट क्लिक करें, ठीक, और क्लिक करें शेड्स में, शेड्स में से देखें वो मतलब वो डिबेट में से जो डीप से थे वो नजर नहीं आ रहा है जिसके फेसेस थे, और अगर वापस शेड फ्लैट करना चाहते हैं लो पॉल स्टाइल के लिए उसके आप ये राइट क्लिक करके फिर शेड फ्लैट कर सकते हैं, शेड में डिबेट कर लें। तो दूसरा जो मॉडिफायर है, एक तो ये सब सर्फेस मॉडिफायर है, दूसरा जो मॉडिफायर है वो हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ, वो है मिरर मॉडिफायर। अब मिरर मॉडिफायर बेसिकली ये है कि जो आप चीज एक साइड पे करोगे वो दूसरी साइड पे भी करना चाहते हो, क्योंकि इंसान या कोई ऐसी चीज कार्टून कैरेक्टर वगैरह होते हैं वो दोनों साइड से आमतौर पर एक जैसे ही होते हैं, बहुत कम चांस होता है कि हम लोग डिफरेंट कर जाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आमतौर पर एक साइड डिलीट करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए हम क्या वॉक एडिट में चल जाए, स्टेप टॉल कर लें, ए से दबा के साथ सबको स्टेप टॉल कर लें, राइट क्लिक करें, ठीक है सब डिवाइड कर लें, अब देखो तो अजीब सा लग रहा है लेकिन ये डेमोंस्ट्रेशन के लिए भी मैं इस पास आपको बता रहा हूँ, ठीक है टैब ब्रैकेट में से बाहर चले जाओ, फिर बाइसेक्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसकी एक साइड आमतौर पर हम लोग ये साइड डिलीट करते थे आप लोग नहीं वैल्यू की बाइसेक्ट की साइड वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट होगी, और फिर से साइड है उसकी एक साइड वो डिलीट होगी थी और वो ऑटोमेटिकली वो शो हो गया। अब जब मैं इसकी एक साइड को मैनिपुलेट करूंगा ये देखिएगा मैं इसकी एज को पॉकेट में खिलाता हूँ तो देखिए दूसरी वाली साइड ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंज होती जा रही है, और क्लिपिंग भी एक ऑप्शन है, क्लिपिंग का ये सीखा है कि अगर सपोजिटली जेड वायर फ्रेम जाके बी से बॉक्स सेलेक्ट होता है, ये सारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लेकिन सपोज अगर मैं इधर ही एक यू स्फीयर ऐड करता हूँ और मैं साइड पर मूव करता हूँ, देखिए साइड पर मूव हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लिपिंग टर्न ऑन कर लूँ, ठीक, तो अगर मैं अब उसे हिलाना चाहूंगा तो ये देखिए साथ दोनों जुड़े हैं, वो ये मेक श्योर करता है कि वो दोनों से ऑब्जेक्ट बिल्कुल लगना चाहिए, काफी यूजफुल ट्रिक है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लिपिंग जरूरी नहीं हर बार आप यूज करें, डिफरेंट मॉडलिंग के केस के लिए डिफरेंट चीजों के लिए आप अलग अलग चीज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ये रेंडर प्लेयर्स है, ये कहेंगे थोड़ा सा एडवांस चीज है, आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती होती, तो उसके लिए अभी आप रहते थे,
कैमरा सेटिंग्स अगेन, ये भी बेसिक चीजें हैं। ग्रेविटी ये है कि आप फिजिक्स भी कर सकते हैं, सामान्य चीजें से कितनी हैं। अगर मैं ग्रेविटी को टर्न ऑफ कर देता हूँ तो अभी कोई चीज अगर मैं उस पर फिजिक्स अप्लाई करूंगा तो न्यू डिग्री लगेगी। फिर तो एडवांस है, अभी से आप नहीं देखेंगे बेहतर वर्ल्ड सेटिंग्स। अब ये वो जो वर्ल्ड सेटिंग्स है, जो हमारी सारी इन्वायरमेंट है, एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसके साथ हमारा कलर ब्लैक हुआ है तो हम लोग इधर भी कलर चेंज कर सकते हैं। दुनिया का जो हमारा कलर है उससे काफी इफेक्ट पड़ता है, एनवायरमेंट एक्सपीरियंस होता है। और इसके ऊपर आप इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह करते हैं। और यह कि मेरे पास ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, मेरे चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव ठीक है, मैं इधर से रोटेट यहाँ से भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है मैं पार्ट दबा के करूँ, स्केल भी कर सकता हूँ। आमतौर पर स्केल तो अगर सारा करना चाहते हैं कि मैं बड़ा करके तो एस वा के सारा बड़ा हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक एक्सेस के ऊपर अगर ये देखिए, ये अब एक्स एक्सिस यहाँ पे शो हो रहा है इस तरह से, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस इस तरह से शो हो रहा है, जो स्क्रीन लाइन जा रही है उसके साथ जा रहा है, और ये जेड एक्सिस जो है वो ऊपर से नीचे है। तो अगर मैं इसके इसे स्केल करता हूँ, एक्स के ऊपर चौड़ाई में देखने जा रहा है, कंट्रोल जी से आप वापस भी जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो बाकी मतलब ये बेसिक्स थे, ये अगेन थोड़ा सा ये हम यूज करेंगे सही, लेकिन ये है कि सारी चीज यूज नहीं करें। और दूसरी चीज जो है वो है हमारा ये व्यूज, ये 3D व्यू पोर्ट हो गया। लेकिन जो दूसरी चीज है जो आपको बेसिकली बेसिक्स स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो होगा शेडर एडिटर। मैंने कहा था मटेरियल्स और एडवांस हो सकते हैं, तो अभी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो था क्यूब, जो बेसिक क्यूब था। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूब सेलेक्ट हो रहा है, कैमरा भी सेलेक्ट हो रहा है, लाइट भी सकते हैं, लेकिन क्यूब्स को हम दूसरे मटेरियल दे सकते हैं। जो बेसिक मटेरियल है उससे हम लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, हम लोग चाहे सिंपल ना हो तो हम लोग उसके लिए जो ऊपर व्यूज बनी होती है स्पेसिफिक, या शेडर जैसे भी जा सकते हैं वहाँ पे, या अगर ब्लास्ट आने से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं ब्लेंडर को, तो शेडिंग को क्लिक करें ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको उस व्यू में लेके आ जाएगा। देखिए वो उसने एक इमेज प्लेस उससे कर दिया था कि आपको बताते हैं जो रियल वर्ल्ड में सब ये करेगा, तो उससे ये होगा। ये देखिए, अब हमें अगर इस मटेरियल को थोड़ा सा ज्यादा एडवांस करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए मैं यहाँ इस तरह भी आप लोग मेन्यू शिफ्ट ऐसे ही खोलेंगे याद रखिएगा ठीक है। अब मैं काट लेता हूँ, एक शेयर शेयर काट लेता है ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ग्लॉसी कर लेते हैं। हालांकि ग्लॉसी उसमें प्रिंसिपल बेसिक असल में ये सारे जो वैल्यू को चेंज करें तो ग्लॉसी वैल्यू भी आपको मिल सकती है, लेकिन मैं चले आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो प्लग इन करते हैं आप एक, और ग्लॉसी का जो कलर है वो रेड से करना शुरू करिए, देखिए वो रेड सा कलर होना शुरू हो गया। रफनेस भी हम उससे चेंज कर सकते हैं, लेकिन रफनेस में काम करिए तो शाइन सा करना शुरू हो गया, रफनेस अगर डिजाइन की शुरू हो तो वो कम शाइन कर रहा है। तो इस तरह से डिपेंड कर व्यूज है, टेक्सचर पेंटिंग व्यूज भी है, इस तरह आप पेंट करना चाहते हैं स्पेसिफिक कलर को, जो एनपीएस चार होते हैं, शेडिंग अलग, एनिमेशन के लिए अलग व्यू है, रेडने के लिए अलग, कंपोजिंग के लिए अलग, स्क्रिप्टिंग के लिए अलग, मॉडलिंग अलग है, स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, अगर यूटिलाइज करें अच्छी नई स्किल सीखने में। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट अभी अपलोड हुआ होगा इसी के साथ ही ठीक है, पार्ट वन जो है वो भी साथ ही अपलोड होगा, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो इन फ्रिक्वेंटली में आगे पीछे मतलब अपलोड करता हूँ आई टी दो गेम्स के अंदर, या शायद बैक टू बैक भी करता रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।